माय नेम इज केतन। सीमैट का रिजल्ट कब आएगा ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा। तो यार अगर आप गूगल करते हो ना आपको पता चलेगा सीमैट का रिजल्ट आज एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे बच्चे इस चीज के बारे में बात कर रहे थे तो आई जस्ट थॉट आई विल प्रोबब्ली मेक अ वीडियो अबाउट इट। बिकॉज यार कैसा होता है ना कि जब ये वेबसाइट्स वगैरह अपडेट होनी चालू हो जाती है ना तो हमें पता चलता है कि यार रिजल्ट क्लोज बाय है। इट इज एक्चुअली गुड टू अंडरस्टैंड कि हाँ थोड़ी सी हिंट हमें लग रही है कि भाई रिजल्ट अभी क्लोज बाय है। सो अकॉर्डिंग टू एमबी यूनिवर्स वेबसाइट आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है आज दोपहर के 3-4 बजे तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। अब आप ये भी कहोगे कि सर ये कितना जेन्युइन है ये कितना लेजिट है। देखिए यार सिंपल सी बात है भाई मेरे ये मैं नहीं कह सकता 100% लेजिट है बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इन वेबसाइट्स के साथ पहले तो सीईटी सीमैट जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है मेरे ख्याल से ये लोग ना पहले बता देते हैं और ये प्राइवेट वेबसाइट ना कंप्लीटली 100% क्लोज बाय नहीं होती बट हाँ ये कुछ 90% तक इन्फॉर्मेशन आपको सही से ही बता देते हैं। अब रही बात सर सीमैट की वेबसाइट पे क्या चीज है तो यार सीमैट की वेबसाइट पे कुछ भी अपडेट नहीं है वैसे देखा जाए तो बट 18 अप्रैल इन लोगों ने बोला है सो वी नेवर नो कि आज आ भी सकता है नहीं भी बट ठीक है अगले 3-4 दिन में तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है ही है शॉर्ट शॉर्ट। अब बात करते हैं कि यार आपका जो रिजल्ट है उसमें तकलीफ क्या है। प्रॉब्लम यह है कि यार यहाँ पे ना आंसर की का कुछ मेंशन नहीं करा सीमैट की तरफ से भी आंसर की के बारे में कुछ वर्डिक्ट नहीं आया है। That is very much concerning for me. मेरे लिए यार वो एक परेशानी वाला पॉइंट है बिकॉज आंसर की आना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट लिखा है वो पॉइंट ये है कि नो ग्रीवेंस विद रिगार्ड्स टू द आंसर की आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सीमैट 2022 रिजल्ट्स विल बी एंटरटेन्ड। मतलब ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं नो ग्रीवेंस विद रिगार्ड्स टू आंसर की ठीक है तो अगर आंसर की आता है तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब आंसर की आया आपके हाथ में आंसर की थमा दिया दैट इज द फुल एंड फाइनल थिंग फ्रॉम सीमैट। बट आई एम वेरी श्योर ये कुछ क्वेश्चन सीमैट में जो थे वो गलत थे उसके ऊपर कुछ तो होना चाहिए बट अभी हम एक्शन ले सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से अभी हम एक्शन नहीं ले सकते हैं। पहले सीमैट का आंसर की आने दो ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले ये चीजें आने दो। अगर हमें लगता है कि यार यहां पे ये लोगों ने हमें चांस नहीं दिया है क्वेश्चन को चैलेंज करने का उसके बाद कुछ हम यलगार कर सकते हैं बट अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कुछ एक्शन लेना जरूरी है। दिस इज जस्ट FYI मतलब फॉर योर इंफॉर्मेशन ये कुछ तो एक्टिविटी हो रही है एंड प्रॉब्ली आप रिजल्ट आज या अगले 3-4 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको सीमैट की वेबसाइट चेक करनी है आपको यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है कि आज एक्सपेक्टेड है बट मेरे ख्याल से यार 3-4 दिन में आने चाहिए। सीमैट की वेबसाइट पे तो यार मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है सो काइंडली वेट। आइडियली सर प्रोसेस क्या होता है? देखो यार आइडियली प्रोसेस ये होता है कि पहले तो आपका रिजल्ट आएगा ठीक है रादर पहले तो आपकी आंसर की आएगी राइट। आंसर के आने के बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है कि भाई अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस गलत है आप उसको चैलेंज करो राइट। उसके लिए सीमैट वाले कुछ आपसे पैसे लेंगे 500, 600, 700 रुपए जो भी है आप चैलेंज करोगे उसके बाद वो देखेंगे कि सही कि गलत है। अगर उनको लगा कि नहीं यार सीमैट वाले गलत है तो सीमैट वाले वो आंसर चेंज करेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं यार हम ही सही है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा आपका रिजल्ट आ जाएगा ओके। बट इस बार ये जो भी चीज़ें हुई है सीमैट में उसके चलते थोड़ा ज़रूरी है कि हम ये देखें कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। तो हम थोड़ा वेट करते हैं देखते हैं अगर आज रिजल्ट आते कि नहीं आते हैं। आज रिजल्ट आना बात नहीं बनता बिकॉज आंसर की आनी चाहिए। आज अगर आंसर की भी आ गई ना तो भी अपना काम बन जाएगा बिकॉज एटलीस्ट विल गेट टू नो यू नो व्हाट आंसर्स दे हैव मार्क्ड सीमैट लोग सीमैट वालों का आंसर क्या है राइट। एंड दूसरी बात आइडियली बच्चों का हक है बच्चों का राइट है कि यार आंसर की को चैलेंज करना बनता है एंड आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चे चैलेंज करेंगे बिकॉज क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट गलत है सो लेट्स वेट फॉर दैट। बट हाँ एक चीज याद रखना आपका रिजल्ट अभी क्लोज बाय है एक्सपेक्टेड है कभी भी आ सकता है। सीमैट का वेबसाइट चेक करते रहना अगर कुछ इंफॉर्मेशन आती है तो यार मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज आप अपडेटेड रहोगे ओके। अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। आई एम कीपिंग माई आई ऑन इट सो जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी आई लेट यू नो गाइस टेंशन मत लो। चलो टेक केयर बाय बाय।